हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मस्ट बी सेफ इन योर होम। कोविड चल रहा है आजकल, इसलिए प्लीज़ सब अपना ध्यान रखें। कोविड के चलते ही मैं घर में ही जो है उसी से कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने भी ये किसी से सीखा है। मेरे चैनल का नाम है शशि गुप्ता किचन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। आज मैं ये टूटी फूटी बनाने जा रही हूँ। इसको भी मैंने कहीं से सीखा है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये तरबूज के छिलके से मैंने बनाई है। इसके लिए हमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं चाहिए। तरबूज के छिलके जो नीचे के होते हैं ये हमने लिए हैं। इसका मैं रेड पोर्शन निकाल के और ग्रीन भी निकाल के इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। देखिए कैसे मैं करती हूँ। मैंने रेड छिलका इनका, देखिए तरबूज का छिलका है, इसका रेड पूरा उतार लेना है अच्छे से, और भी जितना भी रेड पोर्शन सब हम उतार लेंगे, और इसका ग्रीन भी हम अच्छे से पील कर लेंगे। वो छोटे साइज़ की होती है टूटी फ्रूटी, तो हमें छोटा साइज़ मिल जाएगा, इसमें हम आराम से निकाल पाएंगे। ऐसे हमने इसको पील कर लेना है। फिर इस पीस को जैसे हमने लिया है तो बहुत छोटा छोटा काटना है, स्क्वायर पीसेस में काट लीजिए। देखिए मैंने सबको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। देखिए कितने छोटे छोटे पीसेस हैं। अब मैं इनको बॉईल करने रख दूंगी पानी में। मैंने पानी ले लिया है, गर्म करने रखा है। ये पहले ही धोया हुआ था मेरे को, इसलिए अब दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको बॉईल करने रख देंगे। इनको जब तक बॉईल करना है कि जब तक ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसमें 5 मिनट्स और लगेंगे आराम से, देखते हैं फिर। और उसके बाद हमें चीनी चाहिए। चीनी मैंने एक छोटी कटोरी ली है। और कलर जिस कलर का आपने बनाना, फूड कलर ये येलो है, ये फूड कलर ग्रीन है, दिस इज़ रेड कलर, ये लिक्विड में है मेरे पास, तो इसी से हम बना पाएंगे। हो गए हैं पकते हुए 5 से 7 मिनट। ये देखिए अब ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी छन्नी में। और अब इसको हमने चीनी के पानी में, 2 कटोरी में पानी ले रही हूँ, और 1 कटोरी चीनी है। इसको मैं पकने दूंगी, थोड़ी सी जब पक जाएगी ये तब हम इसमें ये सब पीसेस डाल देंगे, और उसके बाद हम बाद में इनमें कलर्स मिलाएंगे। अब शुगर सिरप में भी हमने इनको 5 से 10 मिनट तक पकाना है, 5 से 6 मिनट। इनमें अच्छे से चीनी घुल जाएगी तब मैं इनमें सब पीसेस डाल दूंगी। फिर इसको पकाना है हमने शुगर में। चीनी पक गई है थोड़ी, अब मैं इसमें सभी पीसेस डाल रही हूँ। इनको भी 5 मिनट ज़रूर पकाना है। जब 1 तार की चाशनी बन जाएगी तब हम इनको बंद करके अलग अलग बाउल्स में डालेंगे और उनमें फिर कलर ऐड कर देंगे। अभी तो हमने बिना कलर के प्लेन बनाना है। देखिए अब इसकी बन गई है। चीनी पकते हुए काफ़ी देर हो गई है, 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इनको बंद कर देंगे और इनको 4 बाउल में निकाल लेंगे। ऐसे मैं इनको अलग अलग बाउल से विद शुगर सिरप निकाल लूँगी। जितने आपने कलर्स के बनाने हैं उतने ही बाउल में आप इनको डाल लीजिए। मैं 3 कलर का बना रही हूँ, तो 3 बाउल में मैं डाल लूँगी।
शुगर सिरप जरूर डालना है क्योंकि उसी में हम कलर ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इनमें तीनों में कलर ऐड करेंगे। एक में मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा, एक में येलो कलर, और एक में रेड कलर। इनको मैं मिक्स कर दूंगी। ये हमारी ग्रीन कलर की बन जाएंगी, थोड़ी देर में ये सोक कर लेंगी कलर को। और एक और है हमारा, ये येलो कलर हो गया और ये हमारा रेड कलर का बनेगा। तीन कलर की हमने अभी बना दी है, थोड़ी देर में हम इसको 10 मिनट बाद निकाल देंगे प्लेट में और ड्राई करने रखेंगे पंखे के नीचे। तब ये ड्राई हो जाएंगे तब रेडी है हमारी यूज़ करने के लिए। टूटी फ्रूटी को शुगर सिरप में डाले हुए मुझे आधा एक घंटा हो चुका है, आधे से ज़्यादा। अब इन्होंने पूरा सिरप सोख लिया है, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में अलग से। सिरप निकालना है सारा, ये देखिए सब निकाल दिया येलो। अब मैं ग्रीन निकाल रही हूँ, अच्छा से कलर चढ़ गया, देख लीजिए आप भी। इसको हम थोड़ी देर फिर पंखे के नीचे रख के ड्राई कर लेंगे। आप इनको आइसक्रीम में डाल के खाइए, केक बनाएं उसमें यूज़ कीजिए, फ्रिज में रखेंगे 10-15 दिन तक ख़राब नहीं होती है। अब मैं रेड डाल रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया बनी है, सब खाने में भी बहुत अच्छी बनी है। आप इसमें अगर फ्लेवर डालना चाहें तो कुछ डाल सकते हैं वनीला, लेकिन वो उबलते समय डालें जब इनको बॉईल कर रहे हैं तब, इसलिए। देखिए सब रेडी हो गई है, मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया है। देखिए अब आप बताइए कितना अच्छा लग रहा है ना। आप कभी बनाएं तरबूज, कभी घर में आए तो उसका इतना बेस्ट यूज़ है, उसके छिलके काम में ला सकती हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।